Hey everyone, welcome to our blog. तो आज है फाइनली हमारे फ्रेंड की शादी, मतलब इसकी नहीं, मतलब हमारे बैच की एक फ्रेंड की शादी है। तो बगल में एक होटल है ब्लू डायमंड, वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो काफी ज्यादा टाइम हो गया, 9 बज गया और सब लोग इधर उधर कर रहे हैं, तो वहाँ पे बारात भी आने वाला है। और चलिए आज एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करते हैं और दिखाते हैं एक और दोस्त आज बलि का बकरा बनने जा रहा है फाइनली। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल हाई पे है क्योंकि बहुत दिनों के बाद सारे कॉलेज फ्रेंड एक साथ ऐड हो रहे हैं। और आपको दिखा दूं, मेरे साथ प्रीति जा रही है और मेरी भौजी जा रही है, भौजी का लड़का जा रहा है। एकदम गोर लग रहा है, ऐसे तो देखने में करिया पर मुख है हरिया। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं, वहाँ पे रिजॉर्ट पे पहुँचते हैं और क्या क्या होता है पूरा ब्लॉग को लास्ट तक देखना और इंजॉय करना। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने दोस्त की शादी में गाइस, बाय बाय। सो फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे आ गए और अब ये रिजॉर्ट का नाम अब मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था, बट हाँ तो अभी चलते हैं दुल्हन से मिलने। उनसे पहले उनके बैचमेंट सबसे मिल लो, उधर देखो क्या क्या हो रहा है। और हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, थोड़ा इधर देखिए ना, इसको देख के पता नहीं क्या होगा। इधर देखिए ना मैम, थोड़ा इतनी बुरी है ना कि अपना शक्ल नहीं दिखा सकती, पर क्या ही करें। तो चलिए, सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। सो अभी हम लोग आ चुके हैं खाने की एरिया में। इधर स्टार्टअप है और उधर पूरा फूड का काउंटर उधर है। तो आप देख सकते हैं भीड़ से ही अंदाजा लगा रहे हैं। और बहुत ग्रैंड वेडिंग हो रहा है, सच में ग्रैंड वेडिंग हो रहा है और काफी ज्यादा चीज खाने का है। सो अभी हम लोग फ्रेंड की शादी में आए हैं और जितना पार्टी बचा हुआ था ये सारा ये लोग खत्म करने वाला है। एक तो एकदम मिस ब्यूटी, तो एकदम हेलो मिस ब्यूटी, देखिए इतना खाका के छुपा रही है, चुरा रही है। और ये डबल इसका है, ये हमको दिए है, देखो शर्मा रही कि खाने में। पर रुचि जब ये वीडियो देखना तो समझ लेना सबसे ज्यादा कोई खाया तो वो नाजिया खाई है। तो लो नाजिया तुम्हारा ये, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नाजिया कितना खा चुकी है? 10 खा चुकी है। 10 खाई? कितना खाई है नाजिया? दही पूरी कितना खाई है? बहुत सारा। 10 10 तो ऑलमोस्ट 10 10 10। इधर भाभी जी एकदम कॉफी पीने में जस्ट मेरे हाथ से छीन के फिर से खा रही है, आप देख सकते हैं इसे। ओ सो चलो मैं आपको उधर थोड़ा विजिट करवाऊं। और आप देख लो लंबा लाइन और क्या अरेंजमेंट है ब्लू डायमंड की, मतलब अरेंजमेंट दोनों को तारीफ करना पड़ेगा, कितना अच्छा से डेकोरेशन और सब कुछ किया, ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही। ब्लॉग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाने वाले, तो ब्लॉग में बने रहो और देखते रहो और इन्जॉय करते रहो। तो चलो मैं भी थोड़ा खा पी लेता हूँ। और जिस पल का इंतजार था वो हुआ ख़त्म, हमारे आदरणीय शिक्षक जी आज भूतपूर्व प्रेजेंट में भी है। तो हमारे सर हमारे बीच में हम लोग के साथ मस्ती कर रहे हैं। अभी सर ने बोला है कि अभी हम तुम लोग के फ्रेंड हैं, क्या सर है ना? कैसा लग रहा है ये डेकोरेशन आपको और यहाँ का मैनेजमेंट देख के? अच्छा, आप इंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट मंथ आपका भी हो जाएगा सर, डोंट वरी। ओ, अब वो फाइनली घड़ी आ गई है जयमाला का, उसी देर में आपको जयमाला का व्यू देखने को मिलेगा। और देखो कितना प्यारा सा डेकोरेशन और क्या मतलब मजा आ रहा है देख के। तो आप लोग ब्लॉग को देखो, मैं आपको जयमाला का व्यू दिखाता हूँ।
तो जयमाला सेशन हो चुका है कंप्लीट और अभी गिफ्ट सब लोग दे रहे हैं और फोटो क्लिक करवा रहे हैं। हम लोग ने भी करवाया बट उसका रिकॉर्डिंग नहीं है। और देखो बहुत मस्त, बहुत अमेजिंग तरह से जयमाला होगा, मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे 100 गुना ज़्यादा ही अच्छा मतलब हुआ, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। और ये देखो ब्लू डायमंड का मैनेजमेंट बहुत ही मस्त है, आप बुकिंग कर सकते हो अपने वेडिंग के लिए और बहुत ज़्यादा ही स्पेस है और डेकोरेशन भी बहुत मस्त है, अमेजिंग है। और खाना तो मैंने आपको दिखाया, सब कुछ बहुत गजब है। तो चलो अभी क्या क्या मस्ती होता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में, कंटिन्यू रहना आप लोग। गाइज गाइज क्या खाइएगा गाइज, ठेकुआ सब कुछ। ये देखिए हम लोग दोस्त की शादी में आए हैं और राशन कार्ड की लाइन लगी हुई है, खाना मांगने राशन कार्ड की लाइन लगी है क्या गाइज। गजब बेइज्जती है। सो देख सकते हैं आप पिछले भी मतलब कुछ सीन में देखेंगे 10-15 प्लेट तो ये चाट ऐसे ही फिनिश कर लिया है। और अभी देख लीजिए इसका प्लेट ये है, मेरा नहीं है वो मेरा वाला है, और इसका प्लेट ये है। सुबोध कैसा टेस्ट है, अच्छा है ना, सारा पार्टी आज वसूल लेना है ना मैम। सर कैसा टेस्ट है, नहीं थोड़ा बताया जाए कैसा टेस्ट है। सही बढ़िया है मैम, कैसा टेस्ट है, बढ़िया है, आप बताइए कैसा टेस्ट है। सो हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और डेकोरेशन पीछे का देख सकते हैं सब खाली हो चुका है, बिकॉज अब शादी मतलब जयमाला ही सब सजावट ये सब एंड हो चुका है। अब ऊपर मंडप है वहाँ शादी हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ फिर ब्लॉग को करेंगे समाप्त। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, तो अभी जो जो बचा होगा मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। चलो ऊपर दिखाते हैं, ऊपर जो शादी हो रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। सो हम लोग ऊपर मंडप के पास आ गए और यहाँ पे बीध का सारा सामान है आपको देख रहा हो, और यहाँ पे मंडप में अपनी जो विधि होती है शादी की वो हो रही थी। और आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है इंडियन शादी में, आप लोग देखते ही हो, तो इसी तरह ये शादी हो चुका है कंप्लीट, ढेर सारा मज़ा आया। तो चलो ये देखो आप लोग, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और शादी का माहौल हो चुका है समाप्त। बहुत ज़्यादा ही हम लोगों ने मस्ती किया जैसा कि ब्लॉग देखेंगे। और हमारे ब्लॉग में आज का कंटेंट जो है क्या रहेगा, ओरिजिनल कंटेंट ही आपको मिलेगा। बहुत जगह मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर एकदम थोड़ा सा करूँगा और म्यूज़िक भी थोड़ा सा लगाऊंगा विदाउट कॉपीराइट, नहीं तो जो भी ओरिजिनल कंटेंट है जो भी है मैं जैसा म्यूजिक साउंड रहेगा सब कुछ भाई हुआ मैं ऐसे ही डाल दूंगा। चलो ये तो एक अलग की बात होगी, अब मैं बताता हूँ क्या मैं बोलूँ यार, वो शादी देख के मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया ना, इतना ज़्यादा खुश हो गया। क्या अरेंजमेंट और मैनेजमेंट दोनों बवाल थे। ब्लू डायमंड अगर कोई बुक कर रहा है तो आँख मूंद के बुक कर लीजिए, बहुत अच्छा से अरेंजमेंट करते हैं वो लोग और दिल खुश हो जाता है। सब कुछ बेस्ट था, मैं तो कहूँगा बेस्ट 100 दूंगा 100। अगर हमसे रेटिंग कोई मांगेंगे, सब 10 देता है 5 देता है, मैं 100 रेटिंग दूंगा, इतना मुझे अच्छा लगा। अपने अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज इतना ज़्यादा मैं मस्ती करने लगा ना, मैं भूल ही गया कि मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ, तो फिर ज़्यादा ही मस्ती करने लगा। फ्रेंड की शादी होती तो एक अलग ही फीलिंग होता है ना, फ्रेंड की शादी है फाइनली वो बलि का बकरा बन रहा है तो जो देखने में सुकून मिलता है, क्या ही बोलूँ मज़ा आता है। चलो ये सब रही अलग की बात, और आपको मैं बता दूँ अभी उसकी शादी है, ये तो बेस्ट विशेष दो। मैं यही कहूँगा वो अगर मेरा वो ब्लॉग देखेगी तो मैं यही बोलूँगा हैप्पी मैरिड लाइफ, जहाँ भी रहो एंजॉय करो, बहुत लाइफ में बहुत आगे बढ़ो और एक नया उसके लिए एक दुनिया है वो जाओ अच्छे से कंटिन्यू करो। तो बस यही, अगर ब्लॉग देखना तो ज़रूर कमेंट करना मेरा ब्लॉग देख के। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया हो तो ढेर सारा प्यार देना और बहुत सारा कमेंट करना और उसको जाके बेस्ट विशेष दो जरूर ही करना। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।